हम सब इस बात से तो वाकिफ ही हैं कि आज के समय में छोटी से छोटी चीजों से लेकर बड़ी बड़ी मशीन्स तक हम पूरी तरह बिजली पर निर्भर हो चुके हैं। और अगर चंद मिनटों के लिए इलेक्ट्रिसिटी गायब हो जाए तो पूरी दुनिया पॉज मोड पर आ जाएगी और इस आविष्कार के लिए दुनिया एडिसन को याद करती है। पर क्या आप जानते हैं कि एक और बड़ा वैज्ञानिक है जिसने हमें बिजली पहुँचाने के लिए अपनी पूरी जिंदगी बर्बाद कर दी, लेकिन फिर भी उसे वो स्थान नहीं मिल पाया जिसके वो हकदार थे। तो कौन था वो और आखिर क्यों पूरी दुनिया उसे भूल चुकी है? आज हम फैक्ट स्टोरी पर आपको इतिहास के दो बड़े वैज्ञानिकों के बारे में जानकारी देंगे और उनके आमने सामने टकराने की कहानी भी सुनाएंगे। आज की वीडियो काफी इंटरेस्टिंग होने वाली है तो इसे लास्ट तक जरूर देखना। दोस्तों, आपने आज तक इतिहास में हुई कई वॉर्स के बारे में सुना होगा, लेकिन साइंस के इस वॉर के बारे में शायद ही आपको जानकारी होगी। मशहूर साइंटिस्ट थॉमस एडिसन और निकोला टेस्ला दोनों ही मानव सभ्यता को बदलना चाहते थे और इसी बीच हो गई एक जंग की शुरुआत जिसे आज हम द वॉर ऑफ करंट्स के नाम से जानते हैं। और इसके परिणाम स्वरूप किसी एक की जिंदगी बर्बाद हो गई और बाकी सभी की जिंदगी हमेशा के लिए बदल गई। इस जंग के बारे में जाने उससे पहले आइए घड़ी की सुई को थोड़ा पीछे लेकर चलते हैं। साल था 1956 का, जहां एक रूढ़िवादी रोमन कैथोलिक चर्च के पादरी के यहां एक बच्चे का जन्म हुआ जिसका नाम निकोला टेस्ला रखा गया। निकोला अपने स्कूली दिनों से ही काफी होशियार थे। बताया जाता है कि वो गणित के मुश्किल से मुश्किल सवालों को अपने मन में ही हल कर लेते थे। किताबें पढ़ने के शौकीन निकोला 8 भाषाओं के जानकार थे। यूनिवर्सिटी में मैथमेटिक्स, फिलॉसफी और फिजिक्स की पढ़ाई करने गए, लेकिन इन्होंने डिग्री कंप्लीट नहीं की। ड्रॉप आउट करने के बाद ये छोटे मोटे जॉब्स करने लगे। ऐसे ही जब वो एक जगह जॉब कर रहे थे तब उन्होंने मशहूर थॉमस एडिसन के डीसी जनरेटर में एक गलती ढूंढी और उस कमी को कड़ी मेहनत के बाद ठीक कर दिया। और आखिरकार उसने कुछ ऐसा किया जिससे बड़ी आसानी से बिजली की शक्ति के साथ साथ बिजली का फैलाव भी बढ़ाया जा सकता था, जो कि पहले मुमकिन नहीं था। उसके बॉस से लेटर ऑफ रिकमेंडेशन लेकर वो अमेरिका एडिसन से मिलने निकल पड़े। अमेरिका पहुंचने के बाद वो एडिसन से मिलने गए, जो उस वक्त के सबसे बड़े इन्वेंटर हुआ करते थे, क्योंकि वो एडिसन ही थे जिन्होंने साल 1879 में अपनी छोटी सी लेबोरेटरी में पहली बार हाई रेसिस्टेंस इनकैंडेसेंट इलेक्ट्रिक लाइट को बनाने में सक्सेस हासिल किया था। लेकिन अभी हर घर में बिजली पहुंचाने का सपना एडिसन का पूरा नहीं हुआ था। उनके सामने सबसे बड़ा चैलेंज ये था कि आखिर वो बिजली को हर घर तक पहुंचाएं कैसे। बस अपने इसी मकसद को पूरा करने में वो जुट गए थे और उन्हें उसमें कामयाबी भी हासिल हुई। साल 1882 में उन्होंने दुनिया का सबसे पहला सेंट्रल पावर प्लांट बनाया जो डायरेक्ट करंट को प्रोड्यूस करता था। अभी हर घर में बिजली नहीं पहुंच पाई थी क्योंकि डायरेक्ट करंट को पावर हाउस से आधे मील दूर तक भेजना मुमकिन नहीं था। हालांकि एडिसन ने बिजनेसमैन से कांटेक्ट कर कई प्रोजेक्ट्स किए और अब वो न सिर्फ एक सक्सेसफुल इन्वेंटर बल्कि सक्सेसफुल बिजनेसमैन भी बन चुके थे। ऐसी स्थिति में एडिसन की कंपनी में एंट्री हुई निकोला टेस्ला की। उन्होंने थॉमस एडिसन के साथ काम करना शुरू कर दिया, जहां उन्होंने एडिसन के कई आविष्कारों में बहुत मदद की। ऐसे में एडिसन ने टेस्ला को अपने जनरेटर और मोटर को अच्छा बनाने की चुनौती दी। उन्होंने टेस्ला से कहा अगर वो ऐसा करते हैं तो एडिसन उन्हें कई हजार डॉलर देंगे। लेकिन जब टेस्ला ने इस चैलेंज को सक्सेसफुली कंप्लीट किया तो एडिसन अपने वादे से मुकर गए। इस कारण निकोला टेस्ला और एडिसन के बीच मतभेद हो गया और टेस्ला ने वहां से नौकरी छोड़ दी। अब टेस्ला ने अपनी अलग कंपनी चालू करने का निर्णय लिया, लेकिन जिस इंसान के पास रोजमर्रा की जिंदगी गुजारने के लिए पैसे नहीं थे वो भला कैसे खुद की कंपनी की शुरुआत कर सकते थे। ऐसे में उनके एसी करंट के आइडिया को लेकर वो अमेरिकन बिजनेसमैन जॉर्ज वेस्टिंगहाउस के पास गए और उन्हें इस बारे में बताया तो वो समझ गए कि आगे जाकर ये पूरी दुनिया को बदल सकता है। उन्होंने इसके पेटेंट को $60,000 में खरीदा और कुछ रॉयल्टी भी टेस्ला को दी। अब शुरू होती है वेस्टिंग हाउस एंड मैन्युफैक्चरिंग कंपनी, जो एडिसन की बिजली से बेहतर थी और कम दाम में मिलती थी। अभी सबके चलते ये कंपनी दिन ब दिन तरक्की के मार्ग पर तेजी से आगे बढ़ती गई। इतना ही नहीं, टेस्ला ने अब अपने आविष्कार को बेहतर बनाकर अपने जनरेटर में कुछ ऐसे चेंजेस किए कि अब बिजली न सिर्फ बल्ब बल्कि मशीनों को भी चला सकती थी। अब यहां से स्टार्ट होती है एक जंग जिसे द वॉर ऑफ करंट्स के नाम से हम सब जानते हैं। एडिसन डायरेक्ट करंट को बेहतर मानते थे जो 100 वोल्ट की पावर पर काम करता था, लेकिन जिसे दूसरे वोल्टेज में बदलना काफी मुश्किल था। तो वहीं टेस्ला का मानना था कि अल्टरनेटिंग करंट यानी एसी करंट बेहतर है क्योंकि उसे एक जगह से दूसरी जगह पर आसानी से ले जाया जा सकता है।
अब दोनों के बीच शुरू होता है एक कंपटीशन, और एडिसन गुस्से के चलते अब टेस्ला को किसी भी तरह से बर्बाद कर देना चाहते थे। अब इस जंग को जीतने के लिए एडिसन ने एक प्रोपेगेंडा लोगों के मन में फैलाया कि एसी करंट काफी ज्यादा घातक है, और ऐसा कहा जाता है कि इसे सिद्ध करने के लिए एडिसन ने एसी करंट देकर कई जानवरों को भी मौत के घाट उतार दिया। इतना ही नहीं, एडिसन ने उस वक्त के प्रेसिडेंट को भी लेटर में एसी करंट के नुकसान के बारे में लिख कर दिया, और वो कहते हैं ना कि गुस्से और बदले की भावना इंसान को बेहद निचले स्तर पर गिराती है। यहाँ भी कुछ ऐसा ही हुआ। इनको जब जेल के कैदियों को सजा देने के लिए कोई सुझाव देने को कहा गया तो इन्होंने उन्हें थोड़ा सा इलेक्ट्रिक शॉक देने को कहा, और तो और इस पर अमल भी किया गया और इसका ट्रायल भी हो गया। इन्होंने टेस्ला से बदला लेने के लिए जेल के कैदी पर 1000 वॉट का एसी करंट लगा दिया, जिसका इंतजाम भी इन्होंने वेस्टिंग हाउस एंड मैन्युफैक्चरिंग कंपनी से ही लिया था। ये खबर आग की तरह फैली और सभी ने टेस्ला को ही कोसना चालू कर दिया, लेकिन टेस्ला ने हार नहीं मानी और उन्होंने बड़ी मेहनत के बाद वेस्टिंग हाउस को नाइग्रा फॉल्स से इलेक्ट्रिसिटी जनरेट करने का प्रोजेक्ट मिला। एडिसन अभी भी बदले की आग से जूझ रहे थे, ऐसे में उनकी कंपनी के डायरेक्टर्स ने उन्हें ही कंपनी से बाहर फेंक दिया। अब एडिसन का गुरूर चकनाचूर हो चुका था, और वहीं अगर टेस्ला की बात करें तो जैसे ही उनको भनक हुई कि उनकी कंपनी कर्ज में डूब चुकी है तो उन्होंने अपनी जीवन की सारी जमा पूंजी को वर्कर्स के बीच बांट दिया और अंत के दिन गरीबी में गुजारे। दोस्तों, देखा आपने टेस्ला ने मानव सभ्यता के प्रोग्रेस के लिए कितना संघर्ष किया, लेकिन दुर्भाग्य से उन्हें वो सम्मान नहीं मिल पाया जिसके वो हकदार थे। तो चलिए दोस्तों, आज इस महान हस्ती के बारे में ज्यादा से ज्यादा लोगों को बताने की कोशिश करते हैं और इसकी शुरुआत इस वीडियो को शेयर करके करते हैं। उम्मीद है आज की हमारी इस वीडियो ने आपको कुछ न कुछ नई जानकारी जरूर दी होगी। साथ ही अगर आप चैनल पर नए हैं तो इसे सब्सक्राइब जरूर कर लें। वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें। आपका बहुत बहुत शुक्रिया।